आज की स्पीड में बात करेंगे सुई नेटवर्क के बारे में। और सुई नेटवर्क ने एक ट्वीट शेयर किया है कुछ घंटे पहले, जहां पर बताया कि कैसे आपको जाके कैपी हॉलीडेज के गिफ्ट बॉक्स को परचेज करना है, उसे ओपन करना है और उसके बाद आप यहां पे जाके इनके प्रीमियम बॉक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और जो कैपी डॉट आर्ट है, इसे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वॉलेट से भी। यहाँ पे आप इनके वॉलेट में लॉगिन कर लीजिएगा, करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे जो पहला वाला जो डी ऐप है वही कैपी डॉट आर्ट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। और अगर आपके पास इस समय सुई नहीं है तो आपको यहाँ पे जाके इसे क्लेम करना होगा। जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे, सुई का जो ऑफिशियल वॉलेट है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सुई का एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पे 0.05 सुई टोकन आ जाएंगे, जो कि आपको क्लेम करना है इनके डेवनेट नेटवर्क के ऊपर। याद रहे आपको यहाँ पे नेटवर्क में सुई डेवनेट को ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इनके साइट को ओपन कर लिया है, और इस प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स को क्लेम करने से पहले हमें यहाँ पे इनके हॉलीडे गिफ्ट बॉक्स को बाय करना है और उसके बाद इसे हमें यहाँ पे सेंड करना है। तो यहाँ पे आप अपने दूसरे वॉलेट पे सेंड कर सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद ही जाके आप यहाँ पे इनके इस प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स को क्लेम कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे 3 इन बॉक्स को बाय कर लेता हूँ। ध्यान रहे आपको कैपी हॉलीडे गिफ्ट बॉक्स ही बाय करने हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट बताया है कि आपको जाना है कैपी की वेबसाइट के ऊपर, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और आपको परचेज द गिफ्ट बॉक्स एंड इट विल शो अप इन योर स्वी वॉलेट। तो हम पहले यहाँ पे इसे बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को ओपन नहीं किया, डायरेक्टली से मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ अपने दूसरे वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पे जो बॉक्स मुझे रिसीव हो चुका है, और अब हम दूसरे बॉक्स को बाय कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चल के अपने तीसरे बॉक्स को बाय कर लेते हैं। और इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 बॉक्स को बाय करके उसे आपको भेजना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर हम यहाँ पे अपने बॉक्स को बाय करके ओपन करते हैं और सीधे NFTs को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स है ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या, आपको इसे बाय करना, बाय करने के बाद बिना ओपन के आप डायरेक्टली इसे अपने दूसरे एड्रेस के ऊपर भेज दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन बॉक्सेस को भेजा है, 3 बॉक्सेस मैंने यहाँ भेजे। इससे पहले मैंने यहाँ पे 3 NFTs भेजे थे, और जैसे मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस भेजे, यहाँ पे ये जो बटन है प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स का, ये यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय के ऊपर, और उसके बाद आपको इसे करना होगा प्रूफ। और यहाँ पे हमारा जो बॉक्स वो बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लूंगा। अगेन आपको एक नोटिफिकेशन आएगा सुई वॉलेट की तरफ से, और जैसा कि इन्होंने अपने ट्वीट में बताया है, यहाँ पे अब हमें ये जो प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स मिला है इसके अंदर आपको एक रेयर एट्रीब्यूट वाला कैपी मिलेगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिसे आप चाहे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि एज अ गिफ्ट आप उन्हें भेज सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इस तरीके से जाके इस प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स को बाय करके ओपन करना था, और अब आप इसे चाहे तो इसे सेल भी कर सकते हैं इनके मार्केट प्लेस के अंदर। तो ये आपके ऊपर है। और इसके बाद ये कहते हैं कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे आपका स्पेशल कैपी आ जाएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है कैपी एसेसरीज के ऊपर, जहाँ पे आप जाके इनके लिए बाय करेंगे एसेसरीज जैसे कि स्कीज, स्कार्फ्स एंड लाइट्स। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम कैसे इनके एसेसरीज में जाके इसे बाय कर सकते हैं। शॉप एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीज है आपके सामने, आपके सामने यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं। तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ इसके लिए स्कीज। तो हमने यहाँ पे स्कीज बाय कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ नेक, और उसके बाद हम कोट बाय करेंगे और हेड बाय करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 एसेसरीज बाय कर ली है, आई थिंक इतना काफी होगा। और यहाँ पे कहते हैं कि आपको एक बात के लिए और तैयार रहना होगा, और वो ये है कि जैसा कि हम सबको पता है ये एक सुई का डेवनेट चल रहा है, तो यहाँ पे जो सुई है वो आपके वॉलेट से कभी भी डिसअपीयर हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पे डेवनेट के रीसेट होने से पहले अपने कैपी का, यानी कि अपने स्पेशल हॉलीडे कैपी का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और उसके बाद आपको इन्हें ट्विटर के ऊपर शेयर करना है, और आपको यहाँ पे हैशटैग यूज करना है, #कैपी हॉलीडेज। और जैसे आप यहाँ पे ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं,
इस हैशटैग के साथ अपने कैपी को, आप इनके कम्युनिटी ड्रिवन कॉन्टेस्ट में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे जो कि स्टार्ट होगा 3 जनवरी से। तो बस आपको इतना ही करना है। इसके लिए आप चाहे तो इनके इस ट्वीट में भी जाके डिटेल में देख सकते हैं कि क्या आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं आप इसे डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और आपको ट्वीट करना है और साथ में आपको सुई नेटवर्क को टैग करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे जाके आपको सुई के देवनेट नेटवर्क के ऊपर जाके आपको कैपी हॉलीडेज में जाना है और इनके प्रीमियम बॉक्स को बाय करना है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको यहाँ पे मुश्किल इसीलिए होगी क्योंकि अगर आपके पास सुई टोकन नहीं है इनफ अमाउंट में तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पूरे प्रोसेस के लिए कम से कम आपके पास 0.1 सुई होना कंपलसरी है। अगर आप इनके डिस्कॉर्ड में जाएंगे, मैंने ट्राई किया था और मैं यहाँ पे करीब 1 घंटे से पहले या 1.25 घंटे से पहले इसे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे क्लेम करने में सक्सेसफुल हो गए तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे 5 टोकन दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 घंटे 37 मिनट के बाद दोबारा मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। और अगर बात करें कि क्या यहाँ पे जो भी कैपी हॉलीडेज में पार्टिसिपेट करेगा क्या उन्हें यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा, मुझे नहीं पता। एप्टोस के समय भी नहीं पता था, सही नेटवर्क के समय भी नहीं पता है, लेकिन हमारा काम है इन सभी टास्क को परफॉर्म करना क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ अपना टाइम देना है। और अगर हम यहाँ पे लकी हुए तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल सकता है सुई नेटवर्क की तरफ से। हालांकि सुई बार बार कह रहा है कि वो यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि वो ड्रॉप नहीं करेंगे लेकिन बाद में उन सभी ने एयर ड्रॉप किया है। तो मेक श्योर आप इस टास्क को कम्प्लीट करें, परफॉर्म कर लें और इसे मिस बिल्कुल भी ना करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल है सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।